प्रदेश में थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत ट्रक चोरी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत दिन दहाड़े सुबह 7 बजे रीवा शहर से ट्रक चोरी कर भाग रहे युवक को जीपीएस के माध्यम से भीड़ ने पकड़ लिया, जिसकी जमकर पिटाई की, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पब्लिक ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आइए सुनाते हैं रीवा सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल ने इस मामले पर क्या कहा। ये श्री गौरव त्रिवेदी निवासी हैं ट्रांसपोर्ट नगर के। इनका एक ट्रक रतारा में खड़ा हुआ था, उसमें प्लाई लदी हुई थी और ट्रक को यूपी जाना था। मालिक गौरव त्रिवेदी जीपीएस देख रहे थे और उन्होंने देखा कि ट्रक जो है इलाहाबाद तरफ में जा करके रीवा के शहर के अंदर तरफ आ रहा है, तो सतर्क हो गए। थोड़ी देर में वो ट्रक जो है ट्रांसपोर्ट नगर में ही ड्राइवर जो भी था उसमें लेके आकर खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, भाई आप कौन हो, ये ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? बताया कि मेरा नाम ललन सिंह है और ये मालिक ने ट्रक बुलवाया यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में। बोले, मालिक तो मैं ही हूँ। तो ललन सिंह को शंका हुई और ललन सिंह ने दौड़ लगा दी। तो जैसे ही ललन सिंह भागे, उन्होंने आवाज़ लगाई और मोहल्ले के लोग उनको पकड़ करके थाना सिविल लाइन को हैंड ओवर कर दिया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली में ट्रक मालिक की रिपोर्ट पर धारा 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। हाँ, ये लाजमी है कि जब वो ललन सिंह भागा होगा अपने बचाव में, उसने भी अपने बचाव में कुछ हाथापाई की होगी, तो निश्चित रूप से लोगों को पकड़ना था ऐसे मामले में। हो सकता थोड़ी बहुत हाथापाई हुई हो,